भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र के जाखोली गांव में बीती रात आरोपी ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि आरोपी मौके से फरार हो गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में दबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू कर दिया था और चंद घंटों में गिरफ्तार भी कर लिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ित नाबालिग बालिका को मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां मेडिकल के उपरांत इलाज जारी है। पीड़ित नाबालिग बालिका की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दबोह थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी घटना के समय से ही फरार था। थाने से टीम गठित कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और आरोपी को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया और उसे लहार न्यायालय में पेश किया गया। लहार से ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। कल रात में थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जाखोली गांव में एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने गलत काम किया है। बच्ची की शिकायत पर तत्काल थाने पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। बच्ची का मेडिकल जिला अस्पताल से कराया गया था जी, और तत्काल मौके पर जाकर देखा गांव में आरोपी घर पर तलाश की थी, आरोपी नहीं मिला था जी। आरोपी की तलाशी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे। निर्देश के पालन में आज एक टीम लगा करके आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा जी। बालिका की स्थिति अभी ठीक है और शीघ्र ही इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी।